हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ी खबर लेटेस्ट टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़ में आपके लिए है कि अपने मोबाइल की कीबोर्ड में अपनी फ़ोटो कैसे लगाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है लैंग्वेज एंड इनपुट। जैसे मेरे मोबाइल की सेटिंग में एडिशनल सेटिंग में है लैंग्वेज एंड इनपुट, आप इसको सेटिंग में जाकर सर्च बार में सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। इधर आपको टाइप करना है लैंग्वेज एंड इनपुट, इससे भी आपका लैंग्वेज एंड इनपुट आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको जाना है करंट कीबोर्ड पे। करंट कीबोर्ड पर जाकर आपको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड की सेटिंग में जाना है। इसके अंदर आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाएगी, जैसे टेक्स्ट करेक्शन, ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, डिक्शनरी सर्च, एडवांस्ड। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम। थीम को सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस के निशान को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको गैलरी को सिलेक्ट करना है और गैलरी में आपकी जो भी फ़ोटो हैं वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी फ़ोटो लगानी है वो लगा सकते हैं। जैसे मैं ये लगा रहा हूँ फ़ोटो, इसको आप जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जो मर्ज़ी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके कीबोर्ड पर ये फ़ोटो लग गई। इसके बाद आप ब्राइटनेस ज़्यादा और कम भी कर सकते हो। मैं इसको फुल ब्राइटनेस को ओके कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डन कर देना है। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अब ये फ़ोटो आपके कीबोर्ड की बैक पे लग गई है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, पहले मेरे जो कीबोर्ड के ऊपर कोई फ़ोटो नहीं लगी थी, अभी जो मैंने सेलेक्ट की है वो फ़ोटो अब लग चुकी है। तो और लेटेस्ट टेक न्यूज़ के लिए आप हमारा चैनल बहुत बड़ी खबर लेटेस्ट टेक न्यूज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय, थैंक यू।